जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा है कि 200 से भी कम आईनी केसेस के लिए अलहदा आईनी अदालत का सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है। आपके और पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट में कितना डिफरेंस है? देखिए, हमने जो कुछ मुस्लिम लीग नून ने जो इनिशियल ड्राफ्ट था उसके जवाब में तजावीज़ बनाई थी, वो भी उन्होंने कमेटी में वो शेयर नहीं की बाद में, मगर हमारा ड्राफ्ट जो है वो पहले वाले उसके जवाब में है। जो कुछ 56 क्लाजेज उन्होंने हमारे हवाले किए थे उसके जवाब में, हमारे कुछ 24 क्लाजेज हैं जो हमने उनको जवाब में दिए। इस वक्त बुनियादी बात चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अब हमने जब ड्यूरिंग दी मीटिंग हमने पूछा है कि टोटल कितने केस हैं, वो डाटा तो वो ज़रा चेक करवाइए, तो वो लेस देन 200 केसेस हैं, बल्कि 100 और 150 के दरमियान हैं वो केसेस जिसके लिए एक नई अदालत प्रपोज की जा रही है। हमारा कहना ये है कि 100-150 केसेस के लिए, भले वो अगर आप कहें कि जी 20% टाइम खा जाती है, उसके लिए इतना बड़ा सेटअप बनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। आप बेंचेस बना लीजिए, भले आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना चाहते हैं, जो पहले जो है प्रायरिटी की बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है, जब वो केसेस जो टची किस्म के हैं या जिसमें इंटरप्रिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन की इन्वॉल्व है, उनको वो डिसाइड कर लें। और अगर आप इसको सूबों तक ले जाना चाहते हैं तो भी हमको कोई इसका एतराज़ नहीं है, मगर हमारा और उनका बुनियादी फर्क कोर्ट्स के हवाले से, हम बेंचेस पे ठहरे हुए हैं, वो कोर्ट पे। Yeah.